वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अंजलि, और फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यस, बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा। फिर मैं बता देती हूँ कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मीशो कुर्ता सेट सॉल एंड काफी अच्छे कलेक्शन मैंने कलेक्ट की। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जब तक वीडियो में आगे बढ़ूंगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले कलेक्शन की ओर। ये आज का मेरा पहला आउटफिट जो व्हाइट कलर में है, तो चलिए देखते हैं कैसा है। कुछ इस तरीके से इसका कुर्ता है, बहुत 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 ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस तरह से व्हाइट कलर का कुर्ता है एंड यहाँ पे जो ना ये वर्क है वो प्रिंट है, कॉटन का फैब्रिक है। एंड इस तरीके से आपको स्लीव्स में डिटेलिंग मिल जाएगी, लेस की डिटेलिंग है, सिल्वर लेस की। बाकी जो वर्क है वो इसमें फैब्रिक पे वर्क है, प्रिंट है मतलब। एंड कुछ इस तरीके से नेक मिलेगा, नेक बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। या एब्सोल्युटली लव इट, बहुत प्यारा कलेक्शन है। डेफिनेटली कुछ व्हाइट कलर पर अच्छा और फिट हो रहे थे ना, तो बहुत सही है। एंड इसके बाद जैसे ही थोड़ा नीचे आओगे, इसमें दो चीज स्पेशल है। एक यहाँ से आपको ना प्लेटिंग वाला फ्लेयर मिलेगा एंड फ्रंट से आपको जो ना पूरा का पूरा वो कट मिलेगा, या फ्रंट से आपको कट मिलेगा एंड कुछ इस तरीके से आपको फ्लेयर आएगा नीचे। पहनने के बाद फुल इमेज में देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा डिटेलिंग, पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको फुल इमेज दिखाऊंगी। एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सिल्वर डिटेलिंग मिल रही है, या जो कि बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बैक आपको ऊपर से जो ना प्लेन मिलने वाला है, नीचे आपको फिर वर्क मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन इज टू गुड, लाइट वेट एंड फुल रिच एंड क्लासी वाला लुक एब्सोल्युटली आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत प्यारा कलेक्शन है। साथ में आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से बॉटम, बेसिक सा बॉटम आपको मिल रहा है नीचे, इस तरह से थोड़ी सी आपको डिटेलिंग मिल रही है कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट बात करते हैं इसकी चुन्नी की। तो चुन्नी कुछ इस तरीके से है इसकी, कॉटन का फैब्रिक है, चुन्नी बॉटम एंड इसका कुर्ता सबका सबको सारे के सारे चीज ना कॉटन का फैब्रिक है। आप अभी भी यूज कर सकते हो और कुछ टाइम बाद जब सर्दियाँ गर्मियाँ आएंगी तब आप उसमें भी यूज कर सकते हो। बहुत सही लगा मुझे ये प्राइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कैसा आया है। तो यस, ये इसका फाइनल लुक। तो लिटरली सच में बहुत 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 ज्यादा प्यारा लुक आ रहा है इसका एंड या एब्सोल्युटली लव इट, हाईली रिकमेंडेड है। मेरा साइज जो है वो यस है, मुझे काफी अच्छे से बहुत ही अच्छे से फिट आए हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरी फिटिंग की हो आप लोग तो एस साइज के साथ आप जा सकते हो। तो यस, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको फ्रंट का कट पसंद नहीं है तो आप इजीली इसमें जो है ना पिनअप कर सकते हैं। जैसे मुझे पसंद नहीं, मैंने यहाँ पे एक पिन लगाया हुआ है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें पिनअप कर सकते हैं। जहां तक आपको कट नहीं पसंद है वो आप लगा सकते हैं। एंड ये इसकी चुन्नी जो की बहुत बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रही है यार, कुर्ती सच में रियल में बहुत प्यारी है। एब्सोल्युटली मैं आपको हाईली रिकमेंड बोलने वाली हूँ यार, बहुत अच्छा कलेक्शन है। मस्ट बाय है, 10 of 10 है एंड कॉटन की फैब्रिक में है। आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप इसको पहनोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा लुक लगने वाला है यहाँ। तो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट जो कि कुछ इस तरीके से है, क्योंकि कुर्ता है एंड पजामा का सेट था। तो चलिए देखते हैं कैसा आया है। तो इसके साथ हमें रिसीव हो रहा है एक प्लेन व्हाइट बॉटम जो कि व्हाइट कलर का है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में था ये मुझे। कॉटन का रियॉन का कॉटन का फैब्रिक है, कुछ इस तरीके से इसका ये पजामा है एंड साथ में मिलेगा आपको ये येलो कलर का बहुत ही प्यारा सा कलर, येलो कलर बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है। इसका कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेट है, बहुत ज्यादा ओवर येलो नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, मीडियम कलर है एंड कुछ इस तरीके से आपको इसको ढीली स्लीव्स मिलेगी। एंड इसमें है आपको इस तरह से लेस की डिटेलिंग है एंड ये बहुत प्यारी लग रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। एंड अगेन मेरा साइज जो है वो यश है, नीचे जैसे आप आओगे थोड़ा सा इसमें ओवर लेस का वर्क है, बैक साइड आपको जो है प्लेन मिलेगा। तो चलिए फटाफट से पहनते हैं, इनका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कैसा आया है। तो यस, कुछ इस तरह की इसकी फिटिंग आई है, फिटिंग बहुत 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 ज्यादा सही आई है एंड इसकी स्लीव बहुत प्यारी लग रही है रियल में। टच फुट बहुत प्यारा फैब्रिक है एंड यहाँ फाइनल लुक आपको फुल इमेज में दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो यस, ये है हमारा फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी ये पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड या एब्सोल्युटली लव इट। मैंने इसके साथ कोई रिंग्स वगैरह चेंज नहीं की है, मैंने सेम वही डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मुझे लग रहा है ये भी काफी अच्छे से कंफर्टेबल अच्छा लग रहा है, मतलब साथ में जा रहा है, अच्छी लग रही है। अब बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसको फुल डे भी कैरी कर सकते हो, आपको कहीं भी छोटे मोटे फंक्शन पहनना तो आप पहन के जा सकते हो, या फिर आपको सिर्फ घर के लिए चाहिए तो आप घर में यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा कलेक्शन है या एब्सोल्युटली लव इट, अच्छा लगा मुझे। 10 of 10 है, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, बिग थम्स अप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कलेक्शन की ओर। तो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर कुछ कुर्ता सेट है या ड्रेस है, कुछ थोड़ा थोड़ा ड्रेस जैसा लग रहा है। तो चलिए खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है, मैंने अभी तक देखा नहीं।
देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं किसके अंदर एक्चुअली में है क्या। तो इसमें मुझे सबसे पहले ऊपर रिसीव हुआ है कुछ इस तरीके से मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता, जो कि कुछ अनारकली जैसा लुक है। इसमें ऊपर से डबल डबल डोरिया है जो कि आपको बांधना है, एंड फिर आपको नीचे यहाँ से चुन वाली घेर मिलेगा, फ्रंट से आपको जो है कट मिलेगा, एंड कट में भी इस तरह से लेस मिलेगी, एंड या कुछ इस तरीके से है। एंड स्लीव्स में आपको फुल स्लीव मिलेगी, एंड इस तरह छोटी छोटी सीक्वेंस की डिटेलिंग मिलेगी। नेक बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इसका लुक भी देखते हैं कैसा आता है पहनने के बाद। साथ में आपको रिसीव हुआ है इसका बॉटम, बिकॉज फ्रंट से कट है तो बॉटम होना बहुत जरूरी है, तो ये इसका बॉटम। एंड साथ में आपको मिल जाएगी व्हाइट कलर की चुन्नी, जिसमें इस तरह से येलो कलर के छोटे 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 से ना प्रिंट है, जो कि बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है। लेस की डिटेलिंग है, फाइन फिनिश फिर से की नहीं, उन्होंने इस तरह से पतली से लेस लगाई हुई है, अच्छा तो बहुत लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेंजा सिल्क जैसा इसका फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी एब्सोल्युटली अच्छी है, काफी अच्छा कलेक्शन लग रहा है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक इसका कैसा आता है। तो यस, ये इसका फाइनल लुक, और सच में बताऊं ना, खुद पे भरोसा नहीं हो रहा कि इसका लुकिंग इतना अच्छा है, फिटिंग वगैरह सब इसकी बहुत 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 ज्यादा फिट आई है। बिल्कुल आप देख सकते हो इस साइज से बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है, किसी भी जगह से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा फिट है, एंड लुकिंग भी बहुत अच्छी, मुझे लग रहा है बहुत प्यारा कलेक्शन है। तो डेफिनेटली जो लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, आपको स्लीव्स कुछ इतनी मिल रही है, डिटेलिंग बहुत ज्यादा प्यारी है, फिटिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है, ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है। तो यस, ये है इसका फुल लुक, जो कि सच में बहुत प्यारा लग रहा है। आप डेफिनेटली हेल्दी फंक्शन या किसी छोटे मोटे फंक्शन वगैरह के लिए आप ले सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो, बिल्कुल भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। एंड डेफिनेटली वही सेम बात बोलूंगी, अगर आपको कट पसंद नहीं है तो थोड़ा बहुत आप पिन लगा सकते हैं, बट पहनने के बाद इसका लुक बहुत स्मार्ट लग रहा है। चुन्नी वगैरह सब इतनी कंफर्टेबल है ना, आप इजली वेयर करो, बिल्कुल भी इसका फैब्रिक इरिटेटिंग नहीं है कि आप इससे इरिटेट हो, लुकिंग वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मस्टर्ड येलो एंड व्हाइट के साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड तो आपको करने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से जाके बाय करना, क्योंकि मुझे क्योंकि काफी अच्छा कलेक्शन है सच में रियल में। तो या इसकी डोरी वगैरह से फिटिंग इतनी सही आई है ना कि मैं क्या ही बताऊं। लगता है कि मैंने इसका खुद का ना स्टिचिंग की नाप देकर मैंने टेलर से इसको सिलवाया, इतनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है ना, बहुत अच्छी है। तो ये मोबी कॉन्टू का नेक्स्ट कुर्ता से, जो कि पर्पल कलर का है, काफी टाइम से मुझे ना ट्रेंडिंग भी दिख रहा है, मतलब काफी टाइम से तभी मैंने वीडियो शूट नहीं की तो मैंने इसको मंगाया नहीं, जैसे मैंने कलेक्शन जो है वो करेक्ट करना शुरू किया तो मैंने फटाफट से इसको बाय किया। कलर इसका जो डार्क पर्पल है, जो इसके जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है, इस तरह से सीक्वेंस एंड जरी वर्क की आपको डिटेलिंग मिलेगी, जो कि बहुत प्यारी है। एंड ये है इसकी चुन्नी, जो कि लिंग साइज काफी अच्छी है, परफेक्ट है, मुझे काफी पसंद आई। इस बात कर लेते हैं इसके कुर्ते की, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसकी लेस में आपको स्लीव्स में इस तरह से लेस की डिटेलिंग मिलेगी, नेक में इस तरह से लेस की डिटेलिंग मिलेगी, एंड स्लीव्स इसकी कुछ इतनी है। एंड ये है नीचे का, नीचे की पैटर्न की वजह से ना काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जो इसके नीचे का ये जो कट है कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड इसमें पूरे में कट में फ्रंट एंड बैक में आपको सेम वही चुन्नी वाली डिटेलिंग मिलेगी, जो कि बहुत 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 ज्यादा प्यारी लग रही है। एब्सोल्युटली लव इट। पहनने के बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कैसा लगा है। लास्ट बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉटम रिसीव हुआ है, जो कि इलास्टिक है, बेसिक सा है ऊपर, एंड नीचे कुछ इस तरीके से इसका पैंट है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक जो है ना कैसा आ रहा है। तो यस, ये है इसका फाइनल लुक, एंड फिटिंग थोड़ी सी मुझे लूज है, क्योंकि इसका साइज जो है ना वो यम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा लूज है, बट ठीक है, ओके ओके लग रहा है। मुझे एक किस किसी प्रॉब्लम लगी है, जो यहाँ से इस तरह से ना जॉइंटेड है, तो मुझे जॉइंट इसका दिख रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सिंपल प्लेन होता तो इसका लुकिंग ज्यादा अच्छा लगता। बाकी पहनने के बाद काफी प्यारा लग रहा है फुल लुक, मुझे उतना ज्यादा ये पसंद तो नहीं आ रहा, बिकॉज डोरी है नहीं तो इसकी फिटिंग नहीं अच्छी है। फिटिंग के साथ साथ ना ये जो इसका जॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है, ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड तो नहीं कर रही, बट अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है, ट्रेंडिंग कलर है, बट बिकॉज इसकी जॉइंट जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपको इसको 10 में डेफिनेटली 7 नंबर रेंज कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हो, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया है। तो यहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कलेक्शन की ओर। तो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट, जो कि अगेन मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूट है या कोई ड्रेस। तो यस, ये जो कलेक्शन है वो है एक सरारा सेट। तो सबसे पहले आपको इसका सरारा दिखाते हैं, ऊपर से बेसिक सा आपको मिलेगा इलास्टिक है, फिर यहाँ से प्लेटिंग आपको मिलेगा, फ्लेयर मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इस तरह से आपको डिटेलिंग मिलेगी पूरे के पूरे सलारे में, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, वर्क काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको रिसीव हो रहा है इस तरह से कुर्ता, या ये है फ्रंट का, एंड ये है बैक के लिए,
अगर कलर की बात करो तो मुझे कलर अच्छा लग रहा है, वर्क की बात करो तो मुझे वर्क भी अच्छा लग रहा है, स्लीव्स में कुछ इस तरीके से आपको वर्क मिलेगा वो भी अच्छा लग रहा है। साइज इसका अगेन यम है, थोड़ा सा लूज आने वाला है। इसमें मुझे भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि यहाँ पे जो ना स्टिचिंग की है वो बहुत गंदे तरीके से दिख रही है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो आप जा तो सकते हो, इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि बाकी वो रही है सब कुछ अच्छा है और कहीं से भी स्टिचिंग इसकी खराब नहीं लग रही, सिर्फ फ्रंट एंड बैक के नेक से लग रही। तो यहाँ पर आप ना प्रॉपर एक पतली सी लेस लगवा लेना, जिसकी वजह से ये छिप जाएगा और फिर इसका लुक बहुत प्यारा आने वाला है, क्योंकि बाकी ओवरऑल इसका लुकिंग बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सिर्फ ये नेक की स्टिचिंग में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी चुन्नी की, जो कि रियल में बहुत प्यारी रिसीव हुई है, यहाँ पूरे लुक को हाईलाइट करने वाली है ये चुन्नी। तो चुन्नी इसकी अगेन बहुत प्यारी है, इस तरह से बड़े बड़े सीक्वेंस का वर्क है, नेट का फैब्रिक है, एंड अगेन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ एब्सोल्युटली इसकी चुन्नी तो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है, पूरा हाईलाइट का काम करेगी, मतलब फुल पार्टी वियर ड्रेस है, बट इसके नेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यस, ये है इसका फाइनल लुक, जो कि ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, बट इससे ज्यादा लूज होने की वजह से ना उसकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पा रही, इससे इसका लुकिंग समझ में नहीं आ रहा। बट मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि इसकी फिटिंग के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है, बट इसमें नेक में थोड़ा सा वर्क आप करा लेना तो ये बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। चुन्नी इसकी जो है वो नेट की है, सीक्वेंस से पूरी भरी हुई है, काफी अच्छा लग रहा है, फुल आपको पार्टी वेयर हैवी लुक इससे क्रिएट आप कर पाओगे, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया। तो डेफिनेटली मैं इसके लिए आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, तब जब आप इसमें थोड़ा सा वर्क कराएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसी जगह से जो ना थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, बाकी ओवरऑल ये हर जगह से ना बहुत प्यारा लग रहा है, स्पेशली इसकी चुन्नी जो कि बहुत सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो यार दिस इज माय प्रेज वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड टेक केयर, बाय बाय।